Good morning everybody, welcome back to my channel Boy from the Saffron Valley. I hope you are all doing well. So आज है थर्सडे, हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू. तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी जिम आ गया. मम्मी को कुछ तो आठ निकलना था ड्यू टू सम रीजंस, तो मैं नहीं गया. तो आज मैं जल्दी आ गया थोड़ा फास्ट स्ट्रेट कार्डियो करने के लिए. इसके बाद मैं जाऊंगा ऊपर टॉप फ्लोर पे, वहाँ पे करेंगे लोअर बॉडी वर्कआउट. बने रहें वीडियो में, आगे चल के वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है. और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक. थैंक यू. तो आज लोअर बॉडी वर्कआउट में स्टार्ट करूँगा मैं डेडलिफ्ट के साथ. उसके साथ लगाऊँगा थोड़े बहुत हैक स्क्वाट, फिर उसके आफ्टर दैट बफरिंग चल रही है मेरे दिमाग में. सो उसके बाद लगाऊँगा एक स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, गुड मॉर्निंग्स और काफ रेजेस. उसके अलावा थोड़ा एब्स का वर्कआउट करेंगे क्योंकि लोअर बॉडी के साथ मेरे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरा एक फ्रेंड कम कोच है, तो उसने मुझे कहा था लोअर बॉडी के साथ हमेशा एब्स ट्रेन कर. अगले मतलब एक हफ्ता हो चुका है मुझे अपर लोअर स्प्लिट यूज़ करते हैं. अभी दो हफ्ते और ये प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद देखेंगे वो चेंज करेगा या नहीं. जैसा कि मैंने कहा था कि अप्रैल तक इसको ख़त्म करना है, बट ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है. आई नो काफ़ी लोग मेरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इस बारे में. सो टारगेट अभी भी है इसको कम करना है. ये हुआ भी था बट अनफॉर्चुनेटली जो बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह आया तो उस टाइम पे ज़रूरत से ज़्यादा मैं खा रहा था बिना कैलोरीज का ध्यान रखे हुए. सो अब नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक. सो स्टे. डेडलिफ्ट्स लगाना शुरू कर दिया है. डेडलिफ्ट्स में क्या करूँगा कि हैवी वेट नहीं लूँगा, जैसे कि ये 70 केजीज़ पे ही रखा हुआ है इसको, तो 70 केजीज़ पे मैं चार सेट लूँगा. तो चार सेट 8 से 10 रेपिटेशंस के बीच में, क्योंकि ज़्यादा हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है. रेपिटेशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा इस बार, क्योंकि हैवी अगर वो फिर हैवी का फ्लो बनता है तो फिर वो ज़्यादा ज़्यादा 1 रेप मैक्स वाला हिसाब हो जाता है. उससे बेटर है कि अभी मैं ये जो 3 हफ्ते का मेरा शेड्यूल था इसका, तो इसमें मैं रेपिटेशंस पर ज़्यादा फोकस करूँगा. तो चलिए देखते हैं आगे. Cause I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me.
है भाई, जॉय ब्राउ ग्रे फ्रूट 21 ग्राम प्रोटीन। तो बियर है बे गोरवे, कहाँ से ढूंढ के लाए हो इसको? शुभ भाई ये प्रोटीन बियर है, नॉन अल्कोहलिक है, 21 ग्राम प्रोटीन है इसमें और 10 ग्राम BCAA। बताओ यार। पोस्ट वर्कआउट के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेते। मतलब बियर में भी प्रोटीन? मतलब हाँ जी, चलो प्रोटीन ऐसा हो गया कि किसी को आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता है। अच्छा है ना, अगर किसी पर को ड्रिंक सर्विंग करनी है तो थ्री अच्छी अच्छी ड्रिंक करेगा। नॉन अल्कोहलिक है, पर सर्विंग 330 ml में आपको मिल रहा है प्रोटीन 21 ग्राम्स, फैट 0.5, एनर्जी 135, ल्यूसीन आइसोल्यूसीन वैलिन 6.25 ग्राम्स, और बाकी सारे अमीनो एसिड्स भी हैं इसमें। कार्ब्स इसमें है 16.8 ग्राम, जिसमें 7.9 ग्राम्स ऑफ शुगर है। कार्निफाइन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है। वाह भाई, प्रोटीन वाली बियर भी आने लग गई है तो। हे प्रभु, मार्केट में क्या क्या आ रहा है। इसी के साथ ब्लॉग करते हैं ख़त्म। टाटा बाय बाय। ओके भैया।